सुबह के नजारे होते हैं बड़े निराले नाले हाथ बाके फारूक फारूक हरामी का अठ है, मैं तो फुलक्कार हो गया हूँ साला, लांटी का बच्चा पीछे गोलफ खेल रहा है। अरे अस्सलाम वालेकुम, मैं भेजो कहा चाल है भाई, तुम लोग एकदम ठीक ठाक हो? हमारे पार्टी लोग अपने शहर में आ गए भाई, अपने फार्म हाउस आके मेरे को तो माँ कसम पाकिस्तान के घर वाले याद आ गए यार। बड़ा सुकून है भाई, फटी को से निपटे में थोड़ी बड़ी लेकिन नहीं सुकून है। और सुनो कहा चल रहा है जिंदगी में मेरे बताओ, तब अमन है ना यार, और बताओ चाचा कैसा लग रहा है? इतने दिनों बाद एकदम लग रहा ना सक्सी सा यार, है नहीं यार लग रहा है तो फिर कमेंट में बता दो जरा अच्छा सा। अरे मेरे को पता है मैं सेक्सी सा लग रहा हूँ, तुम लोग छोड़ो यार कहा चाचा कितना छोड़ो भाई यार छोड़ो। चलो इस हरामी के बच्चे को देखो, पीछे हम लोग गोल्फ खेल लेते यार, वो पता नहीं खड्डा वड्डा पता नहीं क्या हो गया, बॉल बड़ा ठंग कर रही है, नए नए खड्डे बनाने पड़े यार। चलो देखते हैं साले, ये तो देखो भाई अपनी जगह कैसी लग रही है, ये फुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, हाँ फुल गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ। साला मेरे को नहीं लगता कि हमने इसमें से एक आध से ज़्यादा कोई खरीदी हुई यार, देखो हमने सिर्फ ये वाली खरीदी हुई है, सिर्फ जोसफ ने खरीदी हुई थी, और ये भी मांगी हुई है, और फटीक वाली ये भी फटीक वाली है, और वो दोनों तो हैं ही फटीक की, और लैंड क्रूजर मैंने खरीदी थी, मैदान आल्टो चार गाड़ियाँ हमने खरीदी हुई और चार फ्री की। हाँ लांटी क्या नसीब है यार, लेकिन फ्री वाली यार हमेशा, देखो यूसुफ की गाड़ी, आए हाय हाय हरामी का बच्चा चाबी छुपा कर गया हुआ, कमीना बहुत कमीना भाई, एक नंबर का, माइकल के साथ कहीं गया, इनको तो देखो अपनी औलादों को लांटी के बच्चों को। हाय ये क्या कर रहा है, मट्टी खा रहा है क्या यार ये सली मंगल, कर खा रहा है यार। अबे बाली कहाँ रह गए थे तुम? अरे कुछ नहीं मेरे बेटे, वो फट गई थी। आए अबे तो तुमने रात में इतनी निहारी मंडी क्यों दी? अरे तो भूख ऐसी लग रही थी बकलैंडी के। वाह कब? कुछ नहीं बाली, खड्डे कर रहा हूँ नाप नाप के। चले झंडा वहाँ से यहाँ कैसे आ गया? बाली फारूक भाई ने बोला। क्या हुआ फारूक, हैं झंडा यहाँ क्यों? अबे बाली वो निशाना नहीं लग रहा था, वहाँ जा ही नहीं रही थी बॉल, मैंने बोला करीब ही कर लूँ। सब बकरे की तरह करता देता, हंसना भी नहीं आता। नहीं नहीं बॉल जाएगी तो इधर इसी सुराख में मारनी और कहीं नहीं। अबे बाली यार नहीं जा रही यार, भाई का थोड़ा ख्याल कर लो, देखो इससे आगे जा ही नहीं रही। इससे आगे नहीं जा रही लांटी के बच्चे, ये डंडा लगा के तूने ये कौन सा पार्ट कर लिया खड्डे में उतार दी गोल्फ है? बाली प्रैक्टिस कर रहा हूँ, खेलना 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 सीख जाऊंगा ना मेरे भाई, तुम तो सिखा ही रहे हो मेरे को। बाली इनको चुप, कल समझना की बात। ओके बाली, हाँ डिमांड बढ़ती जा रही है उसकी। ओके बाली, खड्डा क्यों भर दिया? बाली इसमें से नेवला बाहर आया था। आ रात में मेरा भी नेवला बाहर आया था। कहाँ से? वो मेरे कमरे में नेवला आया साला, पता नहीं फुटक फुटक के बाहर आ रहा था। मैं समझ गया लांटी, तुम बड़ी गहरी बातें समझ गए तो। बिकॉज आई एम अ कराची बॉय, यू नो बाली। अरे चुप करो लांटी, कराची बॉय फराची बॉय। अच्छा ये बताओ क्या भाई आज कोई खाने वाने का सीन कर लेते? बाली खाने का सीन कौन था, कौन खिला रहा है मेरे भाई? दावत वावत है क्या? शादी भी नहीं आ रही किसी की पड़ोस पड़ोस में। साले यहाँ पे हमें पड़ोसी है ही नहीं हमारे, देखो आसपास पहाड़ है, पहाड़ों से रिश्ते बनाए क्या यार? यहाँ बाली पहाड़ों पे करने का मजा ही अलग है, कोई देखता ही नहीं है, खुली ठंडी है वहाँ। चुप कर पहाड़ों पे। अबे तू पहाड़ पे भी गया? हाँ फारूक भाई, चलो तुम्हें घुमा के लाऊं। हट हट, घुमा के लाऊं? आओ ना ऊपर से बड़े कबूतर दिखाऊंगा, हाथ में ही आ जाता। नहीं 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 मेरे को नहीं देखने कबूतर, इस उम्र में कबूतर देखेंगे? ऊपर क्या देखो, कौवा देख रहा हूँ, मेरा कौवा देख लो। सॉरी वाली, ये बताओ खाने का क्या सीन है भाई? देखो कल जो है सली मंगली ने नहारी खिला दी थी। अबे वाली 580 रुपए में पूरा हो गया, तुम मेरे को क्या मैं भी खिला दूंगा? नहीं नहीं नहारी नहीं, अब कुछ और मेरे बेटे। हैं कुछ और क्या खिलाऊं तुम बताओ? कढ़ाई वढ़ाई हो जाए, कोई मटन वटन हो जाए यार। अबे वाह भाई वाह, मटन हो जाए, डुम्बे की बोटियाँ हो जाए, वाह भाई वाह डुम्बे की बोटियाँ हो जाए। हाँ तो पुलाव हो जाए डुम्बे का? नहीं हाँ अरबी पिलाओ, आई लव अरबी पिलाओ। हाँ ना मेरे बेटे कुछ बता दो, बड़ा जमाना हो गया अरबी पिलाओ खाया हुआ यार। अबे वाली 580 रुपये में तुम उससे नहीं फट गया, मेरे से तुम 5000 का बिल फटवा रहे हो। 5000? अच्छा इतना पैसा होने के बाद फारूक 5000-6000 रुपये के लिए रो रहे हो यार तुम? अबे तो वाली तो तुम कल उससे बोलते हैं। देखो नहीं नहीं सली मंगली से सबने पूछा, तुमने बोला नहारी तो वो लेकर आया, अभी अपनी टमान ठंडे मकड़ो। सली मंगली बताओ। हाँ बिल्कुल तुमने बोला फारूक। अबे तो मेरे को क्या पता था कि इतने में बिल फटेगा मेरी बारी में।
अच्छा तुम शाली मोंगली था पूछ लो कि तुमने क्या खाना है। शाली मोंगली ने बता भाई उंगली, जो बाली खाएगा वो खाऊंगा। बताओ, मैं तो वही बोल रहा हूँ, मटन कढ़ाई, झींगा और अपना और डुम्बे की बोटियाँ, मसाले वाली, अरबी पिलाओ, वाह भाई वाह, अरबी पिलाओ, झींगा, ये सब खा लेगा तू? हाँ सब खा लूंगा मटन बटे, सब आ जा मैं। अरे भाई थे भाई, रात में चलते हैं। हाँ चलो चलो रात में चलेंगे। हाँ तुम कब खिलाओगे? मैं खिला दूंगा ना यार, वो मेरा भी बैंक का मसला चल रहा है यार। है बैंक का कौन सा मसला भाई? अरे एटीएम कार्ड है नहीं, चल तो कैश तो होगा तुम्हारे पास? नहीं ना, सारा पैसा बैंक में रखता हूँ। हैं बैंक करप्ट होना है क्या? इतना पैसा छोड़िए, बैंक करप्ट हो जाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता वाली। तुम बैंक से ज़्यादा खुद की जेब पे भरोसा रखते हो। और नहीं वो मेरे बेटे, वो परसों चूहा आ गया था कमरे में, उसने आधे से आधे नोट खुटर दिए, गट दी, नुकसान हो गया। सुबह कल सुबह जाके, आज सुबह तो तुम देर से उठे, लांटी के बच्चे छुप कर जब तू सो रहा था, मैं सुबह जल्दी भी उठा था। अच्छा, हाँ सुबह जाके मैंने बैंक में सारे पैसे डिपॉजिट करा दिए। कितने बजे वाली? 7 बजे गया था। 7 बजे तुम्हारा बाप खोल के बैठा है? बाप पे नहीं जाइयो। हाँ वाली, 7 बजे कौन था बैंक खोलता है? वो है, वो बैंक ऑफ लॉस सेंटर्स है, वो खोलता है मेरा मैनेजर, उसका मैनेजर मेरा। अबे टोपिया नहीं दो तुम? नहीं ना, वाकई में माँ कसम यार, ये मेरे भाई तो तुम्हारा एटीएम आ जाएगा। हाँ वो आ जाएगा कोई 5-6 साल में। 5-6 साल कौन था एटीएम मंगवा रहे हो तुम? कार्ड है क्या है? नहीं खिलाना है ऐसे ही बोल दो। नहीं खिलाना है, आ जाएगा एक डेढ़ हफ्ते में आ जाएगा। हाँ नहीं तो उसके बाद दुम्बे की बोटियाँ खाने के बाद शबाना लांटी जल्दी खड्डा काट। हाँ माइकल भाई, हो गई बात? हाँ हो गई। अच्छा चलो, मैं कब से तुम्हारा बाहर इंतजार कर रहा था। अबे हाँ, वो कुछ प्राइवेट बात करनी थी इस वजह तुझे बाहर भेजा था। हाँ मेरे को समझ गया था माइकल भाई, टेंशन का बात की यार। और बताओ क्या बात हुई? हाँ नीचे बताऊँ तेरे को सारी सेटिंग वेटिंग जो उसने बताई थी मिलिट्री ने, अपना जनरल से अपनी तो वैसी मुलाकात हुई है। हाँ लेकिन तू भाई यार, जनरल की मिस कॉल आई हुई थी। हैं तुमने उसका नंबर दिया? मैंने नहीं दिया, लेस्टर ने उसको दिया। अभी यही बात हुई है तो मैं यही पूछा था, वो नंबर बड़ा अनोखा था तो मैंने लेस्टर को अभी बताया, याद आया तो पता चल जनरल का ही है वो। तुमने कॉल करी? नहीं मैंने तो नहीं करी, क्योंकि हम उस पर हम लोग नहीं कॉल कर सकते। वो बंदा चाहे वो नंबर है जिसका नंबर है, वो अपनी मर्ज़ी से किसी को भी कॉल कर सकता है, लेकिन कोई अपनी मर्ज़ी से उसको कॉल नहीं कर सकता उस नंबर से। अच्छा हाँ ये सीन है भाई। वाह भाई वाह, क्या अनोखे अनोखे सीन है यार माइकल भाई। हाँ खैर ये बताओ, गाड़ियों का क्या बताओ यार? लेस्टर से मालूम करवा रहा हूँ, कह रहा है यार ज़रूर उन गाड़ियों में कुछ होगा। दार्थी बात आइडिया ले रहा हूँ, जो उसने सुपरा केम ने पूरी खोल खाल के अलग कर दिए। माइकल भाई मैं तुमको एक बात बताऊँ? बोल यार, अपन ने किम का इतना कुछ बिगाड़ दिया, चुप तो वो भी नहीं बैठेगा। जनरल की पटीक से, मिलिट्री की पटीक से अपन बाहर आ गए, लेकिन शहर में जो है ना अब भी किम बैठा हुआ, जो हमारी ताक में बैठा हुआ होगा, क्योंकि हमने उसकी इतनी महंगी तरीन चीज़ चोरी करी है यार। हमने नहीं, तूने। अबे यार मेरे पे टोपी? हाँ मैं मजाक कर रहा हूँ, हमने। वही तो माइकल भाई, बोल तो तू सही रहा है, किम चुप नहीं बैठेगा, तो इससे बेहतर है कि हमें कुछ करना चाहिए, पहले से हमें तैयार रहना चाहिए। यही तो यार माइकल भाई, क्योंकि वो चुप नहीं बैठेगा, वो लाजमी थी पता लगाएगा। तुमने गाड़ी में देखा? गाड़ी में तो कोई ट्रैकर वगैरह चिप वगैरह कुछ नहीं है, इसी वजह से शायद उसको अभी तक पता नहीं चला कि वो गाड़ी किसने चोरी करी है। पता नहीं चला का, लेकिन शक तो उसको अपने पे ही होगा। हाँ ये है, शक उसको अपने पे होगा, तो फिर क्या करा जाए? देखते हैं माइकल भाई, मेरे दिमाग में ना अभी थोड़ी देर पहले एक आइडिया आया, मैं यहीं खड़े होकर तुम्हारी जगह पे इसी तरह इसी स्टाइल से सिगरेट पी रहा था। क्या आइडिया है? मिलिट्री वाले ने किम से चोरी करवाई है, किम की वो मशीन जो भी थी, वो अपना ओवर कार क्या थी? हाँ ओवर कार नाम बताया था। हाँ वही भाई, वो चोरी करवाई। तो मिलिट्री वाला भी चाहता है कि किम जो है शहर में मतलब इतना कंट्रोल लेके बैठा हुआ, वो जाहिर सी बात है क्राइम वगैरह कर रहा है यार, इलीगल धंधे वगैरह सब चला रहा है वो। हाँ तो मिलिट्री वाला भी उसकी ताक में बैठा हुआ होगा, जाहिर सी बात है। तो क्यों ना मिलिट्री वाले से जनरल से ऐसी सेटिंग कराएं कि अपन पे अगर कल को कोई फटीक आती है, अगर हम फंस जाते हैं तो जनरल कम से कम हमारे बैकअप पे होगा। क्या मतलब, कहना क्या चाह रहा है? गेम की फटीक करने ख़त्म करने के लिए क्यों ना मैं अपना आप और जनरल एक साथ मिलकर काम करो। नहीं नहीं उससे तो मैं अलग भी नहीं पढ़ सकता हूँ माइकल भाई, देखो वक्त का कुछ पता नहीं होता। जनरल ने आपको उस दिन क्या बोला कि किम के इतने कॉन्टेक्ट हो गए हैं, एक ज़माने पे आपके भी क्या थे। हाँ ये तो बात तो सही कह रहा है। यही तो, पहले से होशियार रहना ज़्यादा बेहतर है। बोल तो तू सही रहा यूसुफ,
यही तो माइकल भाई, अपना दिमाग चल रहा है जब भी तेरे सर पे बाल नहीं है। अरे यार मजाक नहीं उड़ाया करो यार, ट्रांसप्लांट कराऊंगा यार, पैसा आ जाए। अबे कितना है याद नहीं रहता यार, चला बैठ, चलो बैठ। इतनी साल इतने गंदे जगह पे रहता है, अबे उसको छोड़, नहीं सुनता ये। मैंने ही बहुत दफ़ा बोला भाई, बोल तो तू यार। यूसुफ सही रहा है वैसे, किम जो है चुप तो बैठेगा नहीं। अगर उसको शक है, शक तो है, हाँ शक तो उसको अपने पे ही है कि हमने गाड़ी चोरी करी है। सबूत नहीं है उसके पास, हाँ अगर सबूत मिल गया तो फिर वो हम पे, जाहिर सी बात है वो चुप नहीं बैठेगा, वो हम पे धाबा ज़रूर बोलेगा। हाँ ये भी है, यही तो माइकल भाई। तो उससे बेहतर ये है कि हम सारे प्लानिंग वगैरह के साथ चलें, होशियार रहें हम। हाँ ये भी तो सही कह रहा है, यही तो माइकल भाई। लेकिन यार लेस्टर भी कह रहा है कि उन गाड़ियों में कुछ ना कुछ है। माइकल भाई तो मैं तुमको यही तो कह रहा हूँ, वो जो अपने पास 3 सुपरा खड़ी हुई है उनको चेक करो, उनमें भी कुछ ना कुछ होगा। हाँ ना यही तो मैं अभी लंदर लेस्टर भी यही कह रहा था कि तेरे पास जो 3 सुपरा हैं उनको भी चेक करवा। क्या बोलते हो, लगा दो शकूर को? सही बोल रहा तू, एक काम कर, शकूर को जो है ना उसी गैराज पे लेके जा कल। हाँ और उसको जो है ना उस गैराज में सारा टूल वूल जो कुछ भी होते हैं वो सब दे, बोल खोल दे, एक एक चीज़ गाड़ी की खोल दे। माइकल भाई लेकिन एक फटीक है। क्या फटीक है? कि अगर उन 3 गाड़ियों में से कुछ नहीं निकला तो शकूर की मेहनत और अपनी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। देख अगर उन 2 में से निकला तो उस 3 में से भी निकलेगा कुछ ना कुछ, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि 2 ही गाड़ियों में हो और इत्तेफाक ये कि हम उसको वही 2 गाड़ियाँ ले जाके दे रहे हैं। पक्का किया, किसको पता, यही तो हो सकता है उन 3 में भी कुछ हो। उन 3 में भी लाजमी कुछ है, लेकिन ये पता लगाना पड़ेगा कि उनमें है क्या। चलो देखते हैं, कल मैं शकूर को काम पे लगवा देता हूँ, नहीं हुआ तो वापसी बनवा देंगे। अबे यार तुम तो अगले की फटवाने में लगे हो, टाइम लगेगा इसमें थोड़ा। वो तो मुझे ही पता, गाड़ी खोलना कोई आसान बात तो है नहीं। कम से कम कितने दिन लग जाएगा? कम से कम जो 1 हफ्ता तो खा ही जाएगा। 1 हफ्ता? हाँ माइकल भाई 1 से 1.5 हफ्ता लगेगा भाई जान, क्योंकि 3 गाड़ियाँ सुपरा हैं, कोई रक्षा तो है नहीं वो कि 1 हफ्ते में 3 खोल के रख दिए। चल तू लगा उसको काम पे, बाकी अपन देखते हैं क्या निकलता उसमें से। ये मोटा किधर है? यार उसकी तबीयत सही नहीं है। ए? क्या हुआ, खैरियत? अबे रात में उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी, मेरे पास आया था, मैंने चेक करा, बुखार बुखार हो रहा है यार, सो रहा है वो अभी। आए आए थक गया बेचारा, बड़ा हो गया माइकल भाई तुम्हारा बच्चा अब। हाँ बड़ा तो हो गया, उसको थोड़ा कम डांटा करो यार। अबे गलतियाँ हरकतें तो देख, बड़ा हो गया लेकिन बच्चों वाली वही दिमाग। अबे माइकल भाई वो तुम्हारे सामने यार, अब बाप के आगे वो थोड़ी होशियारी पकड़ेगा, होशियार बहुत है वो, तुम्हें नहीं पता? हाँ वो तो मुझे पता है, तुम तो बोल रहे हैं यहाँ मोटे। ये तो ये रहा। अबे ये तो को बुखार हो रहा था, तुम बोल रहे ये बीमार है। ओ मोटे, हाँ पापा क्या कर रहा है? कुछ नहीं पापा। और यीशु भाई कहाँ जा रहा है मोटे? सुन तो, कुछ नहीं यार यीशु भाई, बुखार हो रहा है यार, घर जा रहा हूँ। देखा तो साइकिल क्यों चला रहा था पापा? ऐसे ध्यान लगाने के लिए, जैसे टूट गया सुबह से लेटे लेटे। खाने को ला दो कुछ। लाता हूँ तू जा, दवाई खा लियो। देख रहा मूड सही नहीं है। हाँ बुखार हो रहा है ना यार, अगले को होता है माइकल भाई, होता है। अबे ये क्या, ओए उसी नंबर से कॉल आ रही है। किस नंबर से? वो जिससे सुबह जनरल ने मुझे शायद कॉल की थी, उठा के देखो। हेलो, हाँ माइकल जी सुनता। हाँ जनरल साहब जी, किधर हैं आप? सुबह भी हमने आपको याद किया था। वो एक काम में मसरूफ़ था, मुझे नहीं पता था ये आपका नंबर है। अगर आप अभी फ्री हैं तो क्या हमारी मुलाकात हो सकती है? हाँ बिल्कुल क्यों नहीं। कहाँ पर? मिलिट्री बेस आ जाएँ, हम तो 365 डेज वहीं होते हैं। अच्छा अलाव हो जाएगा? जी जी बिल्कुल, आपके लिए तो अलाव ही अलाव है अब। कोई काम है? अरे काम भी है और आपको कुछ देना भी है। देना क्या चीज़? अरे आप समझे हैं, प्लीज़ आ जाइए, घबराइए नहीं, अब तो भरोसे वाली बात है। चले मैं थोड़ी देर में चक्कर लगाता हूँ। ओके ओके, थैंक यू सो मच। ओके क्या हुआ माइकल भाई? पता नहीं मिलने बुला रहे हैं। क्यों, अभी क्या रिश्तेदारी पाल ले गए तुले में? कह रहा है काम भी है और कोई चीज़ देनी भी है। चीज़ देनी है? क्या दे रहा है? मुझे को क्या पता, अजीब है यार। चला चलें फार्म चलें। चलो फार्म चलते, फिर वहाँ से वहाँ निकलते हैं। हाँ सही है माइकल भाई, बैठ रुक तो जाओ।
गाड़ी किधर है तेरी? कौन सी? मुझे तुझे मिल जर्नल ने दी थी। अरे मत गाड़ी, उसको तो दुल्हन बना के फार्म पे चमका के खड़ा करके रखा हुआ है मैंने। तू सही है भाई। तुझे अचानक सूजी कैसी थी? ये चाचा ने मेरे को आइडिया दिया था। अच्छा हाँ, बोल रहे इलीगल है, ले ले इनके किस काम की। अब भाई इतना तो बनता है, इतना बड़ा काम करा, पैसे वैसे भी नहीं लिए। अब तो साले उसने भी तो गिव एंड टेक का टाइम है, हमने उसको गिव दिया, उसने हमें टेक दिया। हाँ जो भी है, लेकिन थोड़ा बहुत टेक अपन, हमें तो पता है यार, अपन हमेशा बिजनेस को जो है ना प्रॉफिट में लेके उतरते, चाहे वो सामने वाले का हो या अपना। हाँ ये तो है, गाड़ी अच्छी है वो। हाँ माइकल भाई, गाड़ी बड़ी चौकसी है यार, एक रुपये लगाने की ज़रूरत नहीं है उस पर, लेकिन फालतू उसको इस्तेमाल नहीं करियो। अरे नहीं माइकल भाई, मेरे को पता है वो ऐसे फटी को भी अपने काम आने वाली है बहुत। हाँ तो तेरी ड्राइविंग अल्लाह माफ़ कर। भाई यार माइकल भाई यार, अबे तो तू बिल्कुल ठोकम ठाकी, देख मैं भी तो चला रहा हूँ यार, भगा रहा हूँ। माइकल भाई समझ से बाहर है, मेरे से क्यों होता है यार ऐसा? तू ना बस, तेरा ध्यान कहीं और होता है। अबे यार समझ से बाहर है माइकल भाई। तेरी माइकल के माइकल भाई को मार रहा है, मारो माइकल भाई। साले हरामी, ठोक दी ना तुमने भी गाड़ी। देख हल्की सी लगी, लेकिन उसकी गलती से। ठोकी नहीं ठोकी भाई, तू बहस नहीं कर, तू तो खड़ी खड़ी गाड़ियों में घुस जाता है। अबे वाह, तुम ठोको तो सही, हम ठोके तो गलती। टायर लगा है मेरा जाके उससे। माइकल भाई यार, मेरे को अजीब सा लगा यार। क्या यार, उसने आप पे हाथ उठा दिया। अबे तो उसको नहीं पता होगा कौन है, खैर लिटा भी तो दिया उसको एक ही मुक्के में। जान तो बहुत है तुम में। क्या आ गया, भाभी वगैरह नहीं आ रही? गई में भाई, रहने दे, सुकून है जिंदगी में। वाह हाँ, तो घर की मुर्गी दाल बराबर। हाँ हाँ वही समझ ले, बहुत होशियार हो भाई। आराम से भाई, क्या कर रहे हो, साइकिल है? अबे कुछ नहीं हुआ, निकाल ली ना। चाचा वगैरह किधर है? पता नहीं, फार्म पे ही कहीं होंगे, हरामी जाना ही किधर है। ओ तेरी खैर भाई, क्या हुआ? कलेक्शन देख रहा हूँ तुम्हारी माइकल भाई। बस क्या यार, लग रहा है ना। हाँ बोल भाई, ये सब पता नहीं कहीं अमीर तरीन बंदे के घर पे आया हूँ मैं। अरे यार अमीर तरीन बंदे हैं, इज्जतदार लोग हैं, नीचे उतर। वाकई यार गाड़ी है, अब गौर से देख रहा हूँ मैं। हाँ ये तो है माइकल भाई। माइकल भाई इस वाली का क्या करना है, किम की गाड़ी का? देखते हैं इसका अभी कुछ। आओ चाचा किधर है? गोल्फ खेल रहा था साला सुबह से, अभी देखो वहीं होगा। वहाँ तो मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। होगा वहीं होगा, कमीना। हाँ वो रहा, आ जा गोल्फ खेल ले। हाँ और क्या, क्यों हमसे शौक चढ़ गया? पता नहीं साला क्रिकेट की तरह खेल रहा होता है। खेलना नहीं आता? मेरे को क्या है, नहीं आता होगा जब तो खेल ला। अबे माइकल भाई, अरे लांटी का बच्चा किधर था, फिर कोई नई फटी लेकर आएगा मंडोश। माइकल भाई सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम माइकल भाई। वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई? बस माइकल भाई आप बताओ। चाचा? हाँ मेरे बेटे। सलाम। हाँ हम करें, अरे तुम करो, हम तुमसे बड़े हैं। सलाम वालेकुम चाचा, कैसे हैं आप? बस मेरे बेटे ठीक ठाक हैं यार। आ रहा जा रहा सही? हाँ आ रहा जा रहा सही है, तेल लगा लेता हूँ, फट जाता तो यार और कुछ साले खम्बी ने बाप ने खेलोगे। अच्छा क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा? खड्डे कर रहा हूँ। सुबह से खड्डे कर कर के थक गए। एक बात बताओ, ये इतनी करीब डंडी किसने लगाई? ये क्या फाड़ो के ना हरामी। ये क्या, आओ माइकल गोल्फ खेलो। ना ना यार, अब कहाँ इस उम्र में, क्यों साले हड्डियाँ कमजोर हैं, मट्टी मार मार के फिर बकवास फजूल बातें। और कोई बात आती है? एक बात बताओ मेरे को तुम लोग, मैं यहाँ पर मजाक करता हूँ, बकवास करता हूँ, तफरी करता हूँ, वक्तोरिया करता हूँ, तुम लोग क्या यहाँ पर क्या कट कर रहे हो हैं? तुम लोग क्या मेरे से धीनीमान की बातें लेने आए हो? लांची तफरी का है, तफरी चैनल है ना ये। हाँ ये तो है। हाँ ये तो वाली सही बोल रहा। हाँ माइकल भाई सही बोल रहे हैं। सही तो है। लांची चल हट। चुप। सॉरी, इतने करीब डंडा क्यों लगाया फारूक भाई? माइकल भाई इसको खेलना नहीं आता जा, कुत्ते के बच्चे को। वाली यार अभी इज्जत दे दो। इज्जत दे दो तो इतनी करीब, देखो बॉले फिर भी क्रॉस नहीं कर पा रहा। अबे तो माइकल भाई खेलना नहीं आता, भी सीख रहा हूँ ना। हाँ सीख जाओगे। ये क्या कर रहे हो? फारूक भाई के लिए खड्डे कर रहा हूँ, करीब करीब निशाने ले लें के मारे। वाह इतनी आसानी से, ऐसा गोल तो अपने ही मैदान अपने ही घर के गार्डन में हो सकता है, कहीं और थोड़ी माइकल भाई। सही बात है, तुम लोग तो पागल हो यार। चाचा एक बात बताओ। हाँ मेरे बेटे।
अपना वो तुम काली मर्सिडीज लेकर आए हो, कोई फटी होगी ना आगे तुम देखना। आगे तुमने बेटा मेरे को समझ कर रखा है, हैं? सारी पावर लॉस सेंटर पर तुम्हारे थोड़े बहुत कॉन्टेक्ट हमारे भी यार, देख लेंगे। अन्यथा फटी वाली गाड़ी है वो किम की वैसी एक गाड़ी हमारे पास है। हाँ, और हम अभी यही सोच रहे थे कि उस गाड़ी का करना क्या है, यही अभी हम माइकल भाई उस गाड़ी का क्या करना है मेरे भाई, और किम भोथड़ी वाले का क्या करना है। करते हैं यार अभी हम, मैं और यूसुफ उसी का प्लान करते हैं। हमने ये सोचा है कि भाई किम देखो कुछ ना कुछ करेगा फारूक भाई। हाँ मैं यही बाली से मैं सुबह यही बोला, और मैंने यही बोला था उसको करने दे, मेरे को फटिक मैंने पढ़ना, मैं बोल दूंगा मेरा भतीजा टाया चाटा जिसका बेटा मार दो। साला है ही नस्ली बर्बाद तू, मजाक करो मेरे बेटे। हाँ बिरयानी का असर था ना यार, चुप कर बता माइकल भाई क्या करना। मैंने और यूसुफ ने अभी यही प्लान कर रहे हैं थोड़ा बहुत। अभी हमने एक सोचा है कि क्यों ना किम तो चुप बैठेगा नहीं। हाँ, और हमने सोचा है कि तू बोल ले, सॉरी माइकल भाई बोलो। तो हमने ये सोचा है कि हम लोग जो है मिलिट्री जनरल के पास मैं भी जा रहा हूँ। अच्छा उसके पास जा रहा हूँ, चलो क्यों चलो, मैं भी मिल खा रहा यार, क्यों बोला क्यों बोला, अच्छा जा क्यों रहेगा, कोई काम है और बोल रहा है तुम्हें कोई चीज़ देनी। अरे वाह क्या चीज़ दे रहे हो, हाथ में लोला तो नहीं रख रहे? अबे क्या बोल रहा है तू? अरे गोला बोला है मैंने। अच्छा तुमने कहा सुना? कुछ नहीं वाली, मुझे पता है इनने क्या सुना। चुप कर जा तू, चलो अगर तुम लोग चल लो तो। हाँ चलो क्यों नहीं चलो यार। यूसुफ गाड़ी तू चला अपनी। ओके माइकल भाई आ जाओ। हाँ माइकल भाई गाड़ी में बैठो, फिर बात करते हैं। हट खड्डा काटा मारे। ओके वाली चलो। वैसे बुलाया क्यों है? पता नहीं, बोला कोई काम है। अच्छा अब उसका हमने एक काम क्या कर दिया, वो कमीना बिगड़ गया। हट पर नहीं चाहूंगा। अब अगला काम कोई फ्री में तो नहीं होगा ना, ये तो हमारा ही गिव एंड टेक का हमारा ही फायदा था ना यार। अब अगला काम अगर बोलेगा कर देंगे चाचा, पैसा कमाना है। हाँ पैसा कमाना है। अबे कितना पैसा कमाएगा भाई, तेरी उम्र ही कितनी बची है, जब तक के लिए बहुत है चाचा। दिन ब दिन लालटी होता जा रहा है। चलो आओ बैठो। चलो आओ फारूक, आगे वाली। कैसी है माइकल भाई? नहीं गाड़ी अच्छी है। जल्दी आ जाओ। आ रहा हूँ मेरे भाई। अरे लांटी दीवार के पीछे जल जाएगी। हाँ माइकल भाई क्या सीन है? यार सीन कुछ ऐसा है कि मैंने और यूसुफ ने भी यही सोचा है। देखो किम चुप बैठेगा नहीं चाचा। हाँ बेटे बेटे वो तो हरामी का बच्चा चुप बैठेगा नहीं। उसकी दो गाड़ियाँ तीन गाड़ियाँ हमारे, वो नीली वाली गाड़ी की डर है, वो हाइपर का बच्चा, वो गैरेज में मेरे घर के। हाँ छुपा के रखना, फालतू नहीं चलाना, कहीं तुम टू टाइप भी लेने जा रहे हो यार उस पर। यूसुफ संभल के यार। हाँ माइकल भाई संभल के चलाऊंगा, तू आराम से चला। ओके। तो भी हम लोग यही सोच रहे थे। ये देख माइकल भाई बचा ली ना, बात करने देगा। करो। तो हम लोग अभी यही सोच रहे थे फारूक भाई कि वो चुप नहीं बैठेगा। तो यूसुफ ने मुझे आइडिया दिया कि ना हम जर्नल के साथ मिलके उसके लिए काम करें। मतलब देखो अभी जर्नल को भी वो चाहिए होगा कि हाँ ये तो अभी चल के हम पता कर ही लेंगे। हाँ तो इससे बेहतर यही है ना हम पहले होशियार रहें, और अगर किम मतलब भाई सीधी सी बात है माइकल भाई को अभी थोड़ा सा डाउट है। क्या डाउट है माइकल भाई? वही के और किम के तुमसे ज़्यादा कॉन्टेक्ट है। हाँ माइकल भाई ये तो है, अब तुम्हारा जमाना पुराना हो गया। हाँ लांटी शेरों का जमाना कभी फाटक नहीं होता बैठे बैठे। हाँ ये बात हुई ना चाचा। हाँ बैठाओ यार इनको बताओ, शेर है आने तो गया, कल के आए हुए बच्चे क्या उखाड़ लेंगे यार हमारा। माइकल भाई ये अपने पे रख रहा है तुम्हारी आड़ में। नहीं माँ का तुम तुम्हारी तारीफ कर रहा था, कभी ने लड़वाना है। तो हम लोगों ने ये सोचा कि ना अभी जनरल से चल के बात करते हैं कि किम के पीछे वो भी काम कर रहा है और हम भी उससे बचना चाहते हैं। बचना नहीं चाहते हम, उसको अपने आप से बचाना चाहते हैं। हमारा मट्ठा घूम गया तो हम ओला बोला देंगे यार। हाँ वही। हाँ सही बोल रहे माइकल भाई, समझ गया। तुम चाह रहे हो कि तुम जनरल से बात करो और उससे बोलो कि भाई अपना होशियार रहे, मतलब किम उनको भी चाहिए तो हम पे कोई फटी आएगी तो वो मिलिट्री वाले देख लेंगे, और हम मिलिट्री वालों पे आएगी उनको कोई काम होगा किम के लिहाज से तो हम देख लेंगे। हाँ भाई तेरे बाप का। अबे बगाओ माइकल भाई, अब तो यार ऐसा लगता है ससुराल आया अपने। और पेंटर यही पेंटर लेके भागा था मैं। कब आगे? वही जब हरामियों ने पकड़ा था, मैंने तो यहाँ पे आग बस्ती कर दी थी यार। हाँ बता रहा था। झूठा है। अरे माँ कसम तुम्हारी बेगम की कसम, अच्छा इंसान बन जाओ तुम, फैमिली तक पहुँच जाओ। सॉरी मेरे बेटे। किधर है वो?
होगा यहीं कहीं। चलो आओ देखें, देखते हैं आ जाओ किधर है। चलो माइकल भाई। जनरल साहब अंदर जी, आप कहीं वेट करें। ओके अरे माइकल डिसेंडर, हाँ वेलकम वेलकम बैक। हाँ जी, यू नो जस्ट व्हाट आई लाइक। और भाई क्या हाल है? ये कौन है? ये वही है जो पीछे तो दिन मामला गंभीर है, मामला गंभीर। हाँ भाई वही भाई, डायलॉग बड़ा फेमस हो रहा है। हट होगा चाचा बाली के डबांठे निकला यार। और माइकल भाई क्या हाल है? बस आप बताओ खैरियत? बाहर चल के बात करें? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं चलें, क्यों ना बाहर की थोड़ी ठंडी हवा भी ले लेते हैं और अपनी काम की बात भी कर लेते हैं। हाँ चलो। ओह वाह, हे सॉरी। वैसे ये आपकी टीम आपके साथ ही रहती है एनी टाइम? जी जी बिल्कुल, ये हमेशा। अरे हम तो चार कबूतर चार कौवे एक साथ रहते हैं यार। जी बताएं क्या काम है? सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ दिखा देता हूँ। मुझे क्या चीज़? आप कुछ कह रहे थे देना। जी बिल्कुल, चले मैं आपको दिखा दूँ, हो सकता है आप खुश भी हो। ऐसी क्या चीज़ है भाई जो खुश हो जाए? हाथ में लोला दे रहा हमें। अरे गोला गोला। अच्छा यार, मेरे को लग रहा नहाना पड़ेगा। हाँ तो कान में कॉटन बड यूज करा करो। चले फिर दिखा दें आप। आ यूसुफ चलो, माइकल भाई मैं चला लेता हूँ। हाँ चलाओ चलाओ। इस गाड़ी में तीन बैठ जाएंगे? बैठ गया अभी। गाड़ी कैसी चल रही है? गाड़ी एक नंबर। आप पीछे बैठे जनरल साहब। चलना कुत्ते चलना, अबे वाली मारेगा तेरे को। अरे हट के पैंट का, बैठ आ जा, मेरे को बीच में बैठने दे। चलो माइकल भाई। जी जनरल साहब किधर? एक काम करें आप अपना प्लेन एरिया की तरफ ले। अच्छा अच्छा अच्छा, और सुनाए शहर में कोई मसला तो नहीं? नहीं नहीं सब क्लियर, पहले ज़्यादा फील हो रहा। अब क्या बना उस मशीन में? अब इस पर हम वर्क कर रहे हैं। आपसे एक बहुत ज़रूरी काम की बात भी करनी थी। मुझे भी आपसे एक काम की बात करनी थी इत्तेफाकन। वैसे किधर जाने? तो जाने तो सीधे जाने। तो इत्तेफाकन ये हुआ कि आपकी भी कॉल आई गई। हाँ अच्छा, एक दूसरे को हम याद कर रहे थे। इधर 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 इधर। जी जी, इस बैग से बीच में ले लें, यहाँ से रिवर्स से बैग से, यहाँ से यहाँ से। ये जो छोटी सी एरिया पार्किंग एरिया, इधर इधर। जी जी, गाड़ी ठीक गाड़ी ठीक। मिलिट्री वालों के बाकी गाड़ी अभी होती मैं मिसाइलें देख के। हाँ सही है, उतरना। जी मैं जनरल साहब, खैरियत? कुछ टाइम पहले हमने ये गाड़ी पकड़ी है। ये गाड़ी? हाँ तो मतलब सुबह या कल रात के टाइम हमने पकड़ी है। मैं तो सो रहा था, मुझे कंफर्म नहीं किस टाइम। इलीगल स्ट्रीट रेसिस में बहुत नाम है इस गाड़ी का। अच्छा तो इसका हमने क्या करना? यही मैं आपको दिखाना चाह रहा था। ये आप समझ लें कि हमारी तरफ से एक तरीके का तोहफा है आपके लिए। अरे वाह, माँ कसम, खाओ कसम अपनी अम्मा की। नहीं यार जनरल साहब, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे नहीं नहीं आप रखें। देखें आपको पता है कि विंटेज का ज़माना है, तो मुझे लगता है कि आपको हमसे थोड़ी बॉन्डिंग बढ़ानी पड़ेगी। क्या कहना चाह रहा है माइकल भाई? मतलब देखिए माइकल डिसेंटो, आप तो जानते ही हैं, जब एक बंदा हमारे काम का है तो फिर हम उसको याद भी करेंगे और खुश भी करेंगे। ये किस तरीके का खुश है? अच्छा उस तरीके का खुश नहीं कर रहा, मामला गंभीर है मेरे बेटे। ये मेरे को ना कुछ टोपीबाजी नजर आ रही। सॉरी, हाँ सॉरी। देखिए आपकी बात मैं समझ गया। देखिए आपका जो भी काम होगा हम कर देंगे। देखिए फ्री में तो कोई भी नहीं करता काम। हाँ वो तो बात सही है, जाहिर सी बात है मेरे पास भी टीम है, इनके भी घर बार है, बच्चे। हाँ मेरे तो 12 बच्चे हैं मेरे बेटे। आठा 1500 रुपये का 10 किलो। अल्लाह बहुत पैसा कमाना पड़ता है, बहुत डर उठा रहे तुम्हारे पास कुछ। उधर जाओ, उल्टा होके खड़ा हो जाओ। अच्छा कसम से अब नहीं खड़ा, कसम से। मैं वाली चुप करके खड़े रहो तुम। देखें जो भी है तो हम आपका काम कर देंगे, लेकिन जाहिर सी बात है उसके लिए कुछ हमें पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, वो हम आपसे डील करेंगे। जी जी मैं समझ गया। दरअसल मैं आपसे कोई आपको कोई ऐसा नहीं दे रहा हूँ कि मैं लालच, ये सिर्फ मैं अपने दिल की खुशी से आपको ये तोहफा दे रहा हूँ, क्योंकि लास्ट जॉब जो आपने करी है जो मेरे कहने पर, वो जो ओवर कार हमें हैंड ओवर की है बहुत ही जल्दी, सबसे बड़ा बेहतरीन काम तो ये कि एक आधे घंटे में आपने काम कर दिया। टीम हमारी दरअसल ऐसी है ना, इस पर अनोखे बंदे। हाँ ये तो है, कभी कर अपने आप पर घरों ने क्या। सॉरी लेकिन मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे मना नहीं करें प्लीज़, दिल से दे रहा हूँ।
आगे आपके भी काम आएंगे। आपको मुझे लगता है ये गाड़ी की बहुत ज़रूरत भी पड़ेगी। क्यों? बस पड़ेगी, मैं आपको कह रहा हूँ ना, तो आप मना नहीं कीजिए, ये हमारी तरफ से एक्सेप्ट कीजिए। गाड़ी के कोई टेंशन नहीं है, रोडों पे लॉस सेंटर से कहीं भी दौड़ाना हो दौड़ाएं, ये गाड़ी मैं क्लियर करवा दी है। मुबारक हो भाईकल भाई, अब इतना कह ही रहे तो ले लो यार। अरे यार अपना जनरल साहब जी, एक गाड़ी एक हाथ गाड़ी को और हाँ तो हमें भी दे दो यार। क्या करोगे तुम इतनी गाड़ियों का? गाड़ी मेरे पास, मैं तो रक्षा चलाता हूँ यार। हैं? लैंड क्रूजर, दो मर्सिडीज और अपना और कौन कौन थी इसके पास? और तो कोई भी नहीं, लॉन्च थी, बाइकें भी हैं। हाँ अपनी भी मेरे में डाल लें। अरे इतनी गाड़ियों वो सारी अच्छी अच्छी नहीं है ना, ऐसी वैसी को दे दो। चले अगली बार कोई आएगी तो आपको भी खुश कर ही देंगे। अच्छा अंको बड़े बेटे, एक चुप, एक गाँव बस्टर ने भिखारी मांगने आ जाते। जाओ माइकल भाई ट्राई मारो, जा चेक करके आ जा। चल अपन दोनों चलते हैं। चल आ जा, चलें। चलो भाई अबे इधर से आओ ना, गाड़ी देख रहा हूँ यार। माइकल भाई मुबारक हो भाई। चलो चलो अब चलो, देख कर आए, आ जा बैठ। चलो माइकल भाई, माइकल भाई के तो मज़े आ गए। कैसी है माइकल भाई? मुझे क्या फ़र्क पड़ना, लेकिन देख क्यों ना। अबे माइकल भाई खुशी से दे रहा है, रखो यार। अरे वाह वाह वाह, बन आउट हो गया, बन गया, वाह अरे वाह अरे वाह। अरे बस करो माइकल भाई यार, भगा भगा माइकल भाई। गाड़ी कौन सी है? अबे माइकल भाई मस्टंग जीटी है यार। साला इलीगल स्ट्रीट रेसेस में इतनी पकड़ते हैं लोग गाड़ियाँ, इनके मजे हैं भाई। हाँ ना, मुझे मुझे कोई कौन जहाज गिरेगा चलाना सीख रहा शायद। क्या कर रहा, क्या कर रही है? कैसी है? तू लेगा? नहीं नहीं माइकल भाई यार, अपन क्या करेंगे, लेंगे यार। तुम्हारा तोहफा है तुम रखो यार, लेकिन इसको चलाना है, यानी कि कहीं दफन कर दो इसको किसी कफन में। हाँ चलाएंगे, इसी काम में इसके कामों में इस्तेमाल करेंगे और क्या। हाँ ना यार, गाड़ी अच्छी है, करोड़ों की गाड़ी है, तो अच्छी नहीं होगी तो क्या होगी भाई। उम्मीद है आपको गाड़ी अच्छी लगी होगी। हाँ गाड़ी तो बहुत अच्छी है, लेकिन मैं अभी भी कहूँगा कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। अरे रख लो, अब इतने नखरत चौधरी नहीं बनो यार तुम। देखिए मैं आपको कह रहा हूँ, ये गाड़ी आपको बहुत काम आएगी आगे, किसी वजह से कह रहा हूँ और दिल की खुशी से दे रहा हूँ मैं। रख लें प्लीज़, एक्सेप्ट कीजिए हमारी तरफ से। चलें खैर, आपको बात करनी थी कुछ? हाँ मुझे बात ये करनी थी आपको किम के हवाले से। हमें भी आपके आपको आपसे हमें यही बात करनी थी। अच्छा इत्तेफाक है जी, बिल्कुल। पहले आप बात करें। देखिए आपको मैंने सारी स्टोरी तो बताई है किम की। हाँ हाँ, एक नंबर का कुत्ता, पेंट हरामी, माइकल भाई एक काम करो, अपना गोला निकालो इसके मुंह में दे दो। सॉरी कितना तुम्हारा ख्याल करो ना, ये दिमाग ख़राब करता है। कोई बात नहीं, कभी कभी टीम में ऐसा बंदा होता है, इग्नोर कीजिए करे। हाँ इग्नोर होता ही नहीं, लांटिस की बेगम इसको इग्नोर करती ना। खैर आप बताएं माइकल, रिसेंट तो देखें किम की मैंने आपको सारी स्टोरी बताई है, तो अब ये नहीं, हम लोग तो ये नहीं कर रहे थे कि खाली हम उसके चीज़ें हड़प लें, मतलब अपने पास ले लें, मतलब कब्ज़े में ले लें। और जैसे हमने लास्ट मशीन, अभी तो हमें उस पर इंक्वायरी भिड़ाई भी है कि उस मशीन का करना क्या है, और देख रहे हैं कि उसकी सारी मतलब बिल्ड वगैरह, उसकी सीन क्या, उसके पीछे उसका मकसद क्या था। हाँ तो अभी हम किम को ढूंढ रहे, किम जो है शहर से बाहर गया हुआ, वो मुझे पता है न्यूयॉर्क वगैरह कहीं गया होगा, क्योंकि न्यूयॉर्क उसका दूसरा घर है। हाँ तो जो भी है, ये हमें कंफर्म नहीं हुई तो हम आपकी ज़बान से सुन रहे हैं कि न्यूयॉर्क उसका दूसरा घर है। हाँ बिल्कुल, या तो लॉस सैंटोस या तो न्यूयॉर्क, उसके अलावा कहीं नहीं जा सकता। अच्छा तो हम उसकी ताक में बैठे हैं, क्या आप हमारी मदद करेंगे? यही सेम बात हमें आपसे करनी थी, क्योंकि देखें उसका पड्डा हमसे भी चल रहा था। तो अब जैसा आपने स्टोरी बताई है, माइकल भाई जो है ना, उस पर रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। बिल्कुल मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा था, क्योंकि जाहिर सी बात है हर किसी का वक्त होता है। अरे वक्त सिर्फ शेरों का होता है, जो कभी ख़त्म नहीं होता, वो जिंदा जब तक शेरों का वक्त चलता है। हाँ चाचा वो बात सही है, लेकिन कभी कभी वक्त बहुत कुछ दिखा भी देता है। अबे नहीं माइकल भाई यार, अपने आप पे भरोसा होना चाहिए। माई बिग ब्रदर सेज, कामट बटे, हमारे बड़े भैया कहा करते थे कि भाई अपने से बड़ा कोई दीनी मान नहीं। चुप हरामी,
लेकिन फिर भी मैं यही सोच रहा था हम लोग सुबह बैठ के ही डिसाइड कर दे कि क्यों ना हम दोनों, मतलब आप और हम एक साथ मिलकर काम करें तो हम किम को आसानी से पकड़ भी सकते हैं। हाँ यही बिल्कुल सेम प्लान। तो फिर हम लोग कभी फ्री हो के फिर बैठ के बात करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मीटिंग बिठा लें आप, हम देख लें क्या प्लान है क्या नहीं। बाकी बात तो भरोसे की है तो उम्मीद करता हूँ आपकी तरफ से भी मिलेगा। देखिए जब सामने वाला बंदा सीधा होता है ना तो सीधी बात है भरोसा भी करना पड़ता है। राह चलते छेड़ना नहीं चाहिए और अगर कोई छेड़े तो उसको छोड़ना नहीं चाहिए। वाह बड़े बेटे डायलॉग बाटे। चलें खैर फिर मुलाकात होगी आपसे। जी जी बिल्कुल। तो हम लोग निकलते हैं। चाचा एक काम करो मेरी गाड़ी तुम चला गया न कठट में। वाह वाह तमीज से। हाँ हाँ तमीज से चलाऊँ। चलो माइकल भाई अपन इसमें चलते हैं। हाँ ओके जनरल साहब। ओके 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 ख्याल रखिए अल्लाह हाफिज। फिर मुलाकात होती है। ओके ओके तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ। क्या हुआ? चलो मैं बात करके 5 मिनट। चाचा साथ चलो। क्या बात करनी? अरे चलो ना जनरल साहब बोलो ना सुनता आपकी। अच्छा चले माइकल निसेंटा आ रहे हैं आप चले परेशान नहीं हो ये सालाना। आ जाओ माइकल भाई। जनरल साहब की ऐसी सेटिंग है कि कहीं से शोरूम वोरूम कब्जे में आपको पैसा वैसे की सेटिंग है। क्या बोल रहा था? पता नहीं क्या समझ में आया माइकल भाई। कुछ समझ तो आ गया लेकिन यार कहीं कहीं मुझे इस पर डाउट होता है। माइकल भाई वो तो है यार डाउट होगा नया बंदा है अभी। हाँ ना ऐसे मैं तो फुल टाइम भरोसा नहीं कर सकता। अभी ये किम इसने कल को मेरे को बोला कि ये अभी किम की बात रखेगा तो ये थोड़ी मैं इसके हाथ में लाके किम दे दूँ। मैं भी एक तरीके का इसकी नज़र में क्रिमिनल हूँ भाई। यही तो माइकल भाई। और इनका काम क्या होता है? शहर से क्राइम मिटाना। हाँ कल को ये ना हो ये साला किम को पकड़ के हम पे धाबा बोल दे यार। यही तो मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा लेकिन मेरे से ज़्यादा हरामी बना नहीं कर सकते ये मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। वो तो हम भी जानते हैं माइकल भाई। यार आराम से चला। सॉरी माइकल भाई मिलिट्री वाले ऐसे घूम रहे एरिया में घूम रहा मिलिट्री के ऐसे नहीं घूमेंगे तो पैसे घूमेंगे। चल खैर अब इस किम से निपटते हैं ज़रा। सबसे पहले उस गाड़ी को देखते हैं कि उसमें क्या सीन पार्ट है। उसको तो बेचो मैं बोल रहा हूँ यार। हाँ करते हैं उसका भी। चलो देखते हैं।